हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक। आज के वीडियो में टॉप एआई स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के दौरान हम 5 से 10 ऐसे एआई स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया की एआई इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड आपके पैसे को भी मल्टीफोल्ड रिटर्न दिलाने में सक्षम नज़र आते हैं। एआई की जो इंडस्ट्री है वो 33% सीएजीआर से ग्रो कर सकती है आगे आने वाले 5 सालों में। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे टॉप एआई स्टॉक्स के बारे में, इंडिया क्यों एक बेहतर जगह है जहां से एआई अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है, इंडिया की गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप्स उठा रही है उसके बारे में एंड किन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर एंड क्या क्या ये सॉल्यूशंस अपने को प्रोवाइड करा सकती है, क्या क्या बेनिफिट्स नॉर्मल लाइफ में एआई की वजह से देखने को मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। सबसे पहले अगर एआई की डेफिनेशन के बारे में बात करी जाए तो एआई एक कंप्यूटर साइंस की ही सब डिविज़न है एंड ये फोकस करती है क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस रखने वाले ऐसी मशीन्स को बनाने में ये काम करती है। अगर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की बात करें तो सुंदर पिचई ने एआई के बारे में बोला कि एआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ह्यूमैनिटी इज़ वर्किंग ऑन। एआई सबसे महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ है जिस पर ह्यूमैनिटी अभी काम कर रही है। इट इज़ मोर प्रोफाउंड देन इलेक्ट्रिसिटी और फायर। ये इलेक्ट्रिसिटी और फायर का जो आविष्कार था उससे भी ज़्यादा प्रोफाउंड साबित होने वाली है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टुमारो वेदर गूगल इज़ देयर और नॉट। आगे आने वाले टाइम में गूगल रहे या ना रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस। जो एआई है वो प्रोग्रेस करते हुए नजर आएगी। AI can make humans more productive than we have ever imagined. AI जो मानवीय क्षमता है उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव करता हुआ नजर आएगा। NVIDIA के जो CEO है उन्होंने बोला कि जो AI है वो हर क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा एंड हर देश को अपनी जो नेशनल स्ट्रेटजी है उसमें AI से रिलेटेड चीज़ों को शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे हर देश प्रभावित होने वाला है। साथ ही साथ NVIDIA के CEO ने बोला कि जो AI की जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्लेक्स है बट इसको इनेबल करने से जो बेनिफिट हमें मिलेंगे उनको समझना उतना मुश्किल नहीं है। अब अगर मार्केट ओवरव्यू की बात करें तो जो इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मार्केट साइज है वो करंटली $680 मिलियन का है एंड वो आगे आने वाले 5 साल में अराउंड $4,000 मिलियन का होने वाला है। जो ग्रोथ इसके अंदर देखी गई है वो CAGR 33.28% की है, यानी कि जो ये इंडस्ट्री है आगे आने वाले 5 सालों में अराउंड 5 टाइम्स तक बढ़ने वाली है। एंड क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे इसको बढ़ाने वाले? द ग्रोइंग पूल ऑफ स्किल्ड टैलेंट इन स्टेम फील्ड। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे हमें इस तरीके के एक्सपर्ट, ग्रेजुएट्स एंड एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऐसा है कि ये इस फील्ड में हम किसी भी पर्टिकुलर देश को बीट कर सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी कुछ ऐसे हैं जो कि एआई की ग्रोथ को और आगे ले जाएंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। रैपिड डिजिटाइजेशन, इंडिया को जो डिजिटाइजेशन है इवन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स, यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल वर्टिकल में भी एआई काम आती है, उन इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स को भी हम देखेंगे। अभी इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल एआई स्ट्रेटजी बनाई है जिससे एक एआई की डेवलपमेंट का रोड मैप डिसाइड कर सकें। साथ ही स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है वो भी एआई से रिलेटेड जो स्टार्टअप है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट, टैक्स बेनिफिट देता है एंड सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसेस प्रोवाइड कराता है जिससे वो फोस्टर कर पाए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड एकेडमी के बीच में क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग भी कराती है जिससे कि इस क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सकें। दीज इनिशिएटिव कलेक्टिवली बूस्ट इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल एआई लैंडस्केप। जो ग्लोबल एआई लैंडस्केप है उसमें जो इंडिया की पोजीशन है वो बेहतर बनेगी। अब किन किन टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स पे एआई काम करती है? तो मशीन लर्निंग पे काम करती है, NLP जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं उस पर काम करती है, कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग पे काम करती है, कंप्यूटर विजन पे काम करती है एंड डिफरेंट अदर एरियाज पे भी काम करती है। अब अगर बात करें किन इंडस्ट्रीज को AI फायदा पहुंचाने वाला है तो उनमें है हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर, रिटेल, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज,
एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री को AI फायदा पहुंचाने वाला दिखता है। अब अगर कुछ कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों की बात करें तो जो AI है वो अप टू 70% ड्रॉप इन मैनुअल एफर्ट वाया द यूज ऑफ ऑटोमेशन एंड AI, जो मैनुअल एफर्ट है उसको 70% तक कम करता है। 60% रिडक्शन इन एफर्ट एंड मीन टाइम टू रिजोल्यूशन फॉर कस्टमर सपोर्ट सॉल्यूशन, जो कस्टमर सपोर्ट है उसके अंदर भी 60% रिडक्शन टाइम के अंदर ये काम करता है। 30-65% रिडक्शन इन कॉस्ट कंपेयर्ड टू बेसलाइन FTE कॉस्ट, तो 65% तक कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी AI सक्षम नजर आता है। अब अगर कुछ मेजर स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक की मैं बात करूं तो वो है टाटा LXC, जो कि AI के फील्ड में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है एंड टाटा की पेरेंटिंग वाला स्टॉक है। एंड पिछले 5 सालों के अगर रिटर्न देखें तो अराउंड 434% के रिटर्न है, यानी कि अराउंड 34% CAGR के अकॉर्डिंग टाटा LXC के स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। करंटली ये अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 25% तक करेक्शन पे अवेलेबल है एंड मार्केट कैप की बात करें तो 45,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। जिन पर्टिकुलर AI डिविजन्स पे ये काम कर रही है वो है AIVA, यानी कि वीडियो एनालिटिक्स से रिलेटेड टाटा LXC का जो सोल्यूशन है, AIDMS जो कि ऑटोनोमस ड्राइविंग के क्षेत्र में टाटा LXC का एनालिटिक्स एंड ड्राइवर बिहेवियर से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, टेसा जो कि रियल टाइम सिनेरियोज बनाता है, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, एंड साइमेंटेक्स जो कि एक वॉइस बेस्ड फ्रेमवर्क है जो AI से रिलेटेड है। तो इन 5 फ्रेमवर्क पे टाटा LXC अभी करंटली काम कर रहा है। सेकंड स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स, पिछले 5 सालों में 536% के रिटर्न बना के दिए हैं, यानी कि अराउंड 6 times किया है अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को। मार्केट कैप देखेंगे तो 41,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है जो कि एक मिड कैप स्पेस से बिलोंग करती है। अब अगर आप देखेंगे तो अराउंड 2021 के दिसंबर से अभी तक जो रिटर्न है वो एक ही रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड यहाँ पहले से भी ऐसे हुआ था कि अराउंड 1.5 साल तक एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए, फिर करंटली फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में AI के फील्ड की जो काम करने की इसमें कैपेबिलिटी है एंड अदर जो इनके वर्टिकल्स है उसकी वजह से इस स्टॉक में भी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। जो परसिस्टेंट सिस्टम है बेसिकली कन्वर्सेशनल AI पे काम कर रही है, जो कि अगर उसके फायदों की बात करी जाए तो रोल आउट चैटबोट जो है वीक्स में, यानी कि चैटबोट की सुविधा किसी भी अगर कंपनी को चाहिए तो ये कुछ हफ्तों में ही प्रोवाइड कराती है, ना कि उसके लिए कुछ मंथ का टाइम लेती है। डिलीवर 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है, एड्रेस कस्टमर क्वेरीज एट स्केल एंड मिनिमाइज क्वेरी रिजोल्यूशन स्पीड, क्वेरी रिजोल्यूशन स्पीड को कम करती है एंड उनको प्रॉपर सोल्यूशन देने का काम भी कन्वर्सेशनल AI के थ्रू करती है। अब अगर परसिस्टेंट सिस्टम के ग्रोथ की बात करें तो सीन्स IPO से ये 17.5% CAGR से ग्रो कर रही है एंड अगर FY20 से FY23 के बीच के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 27.3% CAGR से इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, जो कि एक्सेप्शनल ग्रोथ नजर आती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी, अगर इसके पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो 157% के रिटर्न दिए हैं एंड करंटली ये अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 38% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जो कि डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में नजर आती है। 13,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि अगर AI के बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करें तो ये डिफरेंट ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है, यानी कि मशीन लर्निंग पे काम करती है, इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो एनालिटिक्स से रिलेटेड AI सॉल्यूशंस पे काम करती है, NLP नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे काम करती है एंड ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में भी काम करती है। जो सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड कराती है वो है डिजिटल क्वेरी असिस्टेंट, वीडियो एनालिटिक्स, हेल्थ पोर्ट, ऑडियो क्लासिफिकेशन, डैमेज डिटेक्शन एंड वीडियो हाईलाइट जनरेशन। इन पर्टिकुलर फील्ड में इन्होंने अपने सॉल्यूशंस को ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, जो कि AI से लेस्ड है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है जेंसार टेक्नोलॉजी। जेंसार टेक्नोलॉजी 12,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, जिसके अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न देखे जाएं तो अराउंड 2021 के बाद से इसके रिटर्न देखे जाएं तो वो 63% के हैं। करंटली ये स्टॉक काफ़ी फॉल हुआ था, अराउंड 61% तक का फॉल इसमें सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच देखने को मिला था एंड दिसंबर 2022 के बाद से स्टॉक ने वापस अपना रनवे पकड़ा है एंड दिसंबर 2022 से करंट लेवल को देखा जाए तो ऑलरेडी ये 150% के रिटर्न दे चुका है। जेंसार टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट डिफरेंट AI सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है, जिसमें ये कस्टमर सॉल्यूशंस पे, मशीन लर्निंग पे एंड जो AI गवर्नेंस है इन पे भी काम करती हुई नज़र आ रही है। कुछ और स्टॉक्स की बात करें जो कि AI के फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो है FL India, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, KPIT
साइंट एंड कोफोर्ज, ये सारे स्टॉक्स भी एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इनमें से कौन से स्टॉक को आप होल्ड करते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।